हेलो चिल्ड्रन, टुडे वी शैल स्टार्ट अवर चैप्टर विद द टॉपिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। दो मोस्ट ऑफ अवर डे टू डे प्रॉब्लम्स आर सोल्व बाय द लोकल बॉडीज, येट मैनी मोर प्रॉब्लम्स नीड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड सुपरविजन। यद्यपि हमारी जो दिन प्रतिदिन की जो ज़्यादातर समस्याएँ हैं वो स्थानीय जो निकाय होते हैं, स्थानीय निकायों द्वारा सुलझा दी जाती है, हल कर दी जाती हैं, फिर भी ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनके लिए हमें विशेष तो प्रशासनिक नियंत्रण और पर्यवेक्षण निरीक्षण चाहिए। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू ओवर 676 डिस्ट्रिक्ट। भारत जो है वो 676 जिलों में बटा हुआ है। एवरेज डिस्ट्रिक्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और हर जिला जो है एक महत्वपूर्ण इकाई है प्रशासन की। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो जिले का मुखिया होता है उसे कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिला अधिकारी और डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला न्यायाधीश। ही इज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, हुज सिलेक्शन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑल इंडिया कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यह अधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक सेवाओं का, जिसका चुनाव किया जाता है अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर। डू यू नो, ए तहसीलदार लुक्स आफ्टर द मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू एट तहसील लेवल। एक तहसीलदार जो होता है वो ज़मीन के जो रिकॉर्ड होते हैं उनका रख रखाव करता है, उनको मेंटेन करता है, और ज़मीन कर रेवेन्यू जो होता है, भूमि कर जो होता है, उसे इकट्ठा करता है तहसील स्तर पर। ए तहसील इज़ ए सब डिवीज़न ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, और तहसील जो होती है वो सब डिवीज़न होती है डिस्ट्रिक्ट की, जिले की। एक कानूनगो इज एन ऑफिशियल हु वर्क्स अंडर ए तहसीलदार बट सुपरवाइज द वर्क ऑफ सम पटवारीज अंडर हिम। एक कानूनगो जो होता है एक अधिकारी होता है जो तहसीलदार के नीचे काम करता है, लेकिन उसके नीचे उसके अधीन जो पटवारी होते हैं वो उनके काम का भी निरीक्षण करता है। नेक्स्ट, ए पटवारी मेंटेन्स द रेवेन्यू रिकॉर्ड प्रिटेनिंग टू ए लैंड ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया, बी इट ए विलेज और ए सिटी और ए पार्ट ऑफ ए सिटी। पटवारी जो होता है वो कर रिकॉर्ड तैयार करता है किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित भूमि का, चाहे वो गांव में हो, शहर में हो या किसी शहर का हिस्सा हो। नेक्स्ट, फंक्शंस, कार्य। द मेन फंक्शंस ऑफ ए डिप्टी कमिश्नर आर, एक उपायुक्त के जो मुख्य कार्य हैं वो हैं टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट, जिले में कानून और व्यवस्था बनाना, टू कलेक्ट रेवेन्यू, मेंटेन लैंड रिकॉर्ड्स एंड प्रमोट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, कर इकट्ठा करना, भूमि रिकॉर्ड बनाना और विकासात्मक जो गतिविधियाँ हैं उनको प्रमोट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको लागू करना, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द डिस्ट्रिक्ट विच आर हेडेड बाय स्पेशल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। जिले में जितने भी विभिन्न प्रकार के जो विभाग हैं उनके जो भी क्रियाएं होती हैं उन सब का समन्वय करना, और जिन जो विभाग के जो स्पेशल जिला अधिकारी होते हैं उनके अंडर जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी सभी गतिविधियों को समन्वित करना, मिलाना। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लुक्स आफ्टर द एजुकेशनल एक्टिविटीज। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट। उदाहरण के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होता है, जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो शैक्षणिक गतिविधियों को देखता है, शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य होते हैं। इसी प्रकार से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है वो जिम्मेदार होता है
जिले में कानून व्यवस्था बनाने के लिए। अब है कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर, ये दे रखा है उपायुक्त और डिप्टी कमिश्नर में, तो इनके अंडर जो जो डिपार्टमेंट और कैसे काम करते हैं, तो देखो इसमें दे रखा है पहले मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फिर इसको करेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और जेलर, फिर इस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नीचे आ गए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर उसके नीचे इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर, फिर असिस्टेंट, फिर सब इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, कॉन्स्टेबल और चौकीदार, जेलर के बाद डिप्टी जेलर। अब है मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यूज के अधीन में काम करेंगे नायब तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और लेखपाल। फिर है सिविक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट, नागरिक सुविधाएं और विकास में देखिए पहले आ गए डिस्ट्रिक्ट सिविल सर्जन, उसके बाद एजुकेशन ऑफिसर, फिर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अर्बन लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये सब पूरे जिले का जो हर डिपार्टमेंट का कार्य होता है उसको दिखाया गया है। थैंक यू बेटा।